आज हम जो है गवर्नर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? गवर्नर की बेसिक वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर हमारा करता क्या है, गवर्नर हमारा इंजन की मेन स्पीड मेंटेन रखता है। क्या करता है ये मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो ये करता है मेंटेन, क्या करता है, मेन स्पीड, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये इंजन की स्पीड को, मेन स्पीड को मेंटेन रखता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग लोड वेरिएशंस, ड्यूरिंग लोड वेरिएशंस, ठीक है ना। ये इसकी बेसिक वर्किंग होती है। अब समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई ये, ठीक है ना, ये ट्रैक्टर है, ठीक है, आपसे कोई इंप्लीमेंट खींच रहे हो, कोई इससे काम कर रहे हो भाई, इंप्लीमेंट खींच रहे हो, ठीक है ना। ये आप क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट पुल कर रहे हो, इसको इम्प्लीमेंट पुल कर रहे हो, ठीक है, सब वर्क ले रहे हो। अगर मान लो आपका लोड बढ़ गया है, ठीक है ना, ये इम्प्लीमेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो, या आप दो से ज़्यादा इम्प्लीमेंट एक साथ खींच रहे हो, मतलब आपका लोड इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, लोड इंक्रीज हो गया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोड बढ़ गया है तो आपका लोड इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, लोड इंक्रीज हुआ, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपकी स्पीड क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो कुल मिला के आप ना, लोड इंक्रीज हुआ, आपका हैवी लोड आ गया, आपकी स्पीड रिड्यूस हो गई। अब आपको यहाँ पे मेंटेन करना है स्पीड को, ठीक है ना। आपको भाई एक मिनिमम स्पीड, एक मीन स्पीड चाहिए ताकि आपका इंजन जो है सक्सेसफुली वर्क करे, ठीक है ना। आपको एक कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है, तो ये आपका काम होता है गवर्नर का। जब आपके लोड वेरिएशन होते हैं तो क्या करता है, मीन स्पीड को मेंटेन करता है, ठीक है। ऐसी अगर आपका मान लो लोड कम हो, ठीक है ना, ट्रैक्टर पे कोई भी लोड नहीं है, ट्रैक्टर पे कोई भी लोड नहीं है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्या होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, बहुत स्पीड से रन करेगा। अब जो ये स्पीड होती है, इसको आप कंट्रोल कैसे करेगा कि आपका लोड बढ़ा तो स्पीड कम क्यों हो गई, क्योंकि अगर लोड बढ़ता है तो आपकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि आपका लोड इंक्रीज हो गया। तो अब ये इसको मेंटेन करता है स्पीड को, क्या करता है, मेंटेन, मेंटेन का मतलब है स्पीड को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, स्पीड को, क्योंकि इसको कांस्टेंट स्पीड देनी है, तो स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो वो स्पीड को इंक्रीज कैसे करेगा, क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज कैसे करेगा। तो बेसिकली गवर्नर करता क्या है, गवर्नर आपकी जो फ्यूल, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, फ्यूल की सप्लाई जो है इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, जो ये चार्ज होता है उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अगर आपका ज्यादा चार्ज आएगा तो आपकी ज्यादा स्पीड मेंटेन होगी। तो बेसिकली ये फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है, और तब ये क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली गवर्नर इनडायरेक्टली फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके मेंटेन करता है स्पीड को ड्यूरिंग लोड वेरिएशन। तो इसी बेसिक वर्किंग ये होती है कि इंजन की मेन स्पीड मेंटेन करना ड्यूरिंग लोड वेरिएशन। अगर ज्यादा लोड आएगा तो इंजन की स्पीड कम हो जाएगी, तो अगर इंजन की स्पीड कम होती है तो ये क्या करता है, ये फ्यूल सप्लाई इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, फ्यूल सप्लाई इंक्रीज कर देता है। फ्यूल सप्लाई इंक्रीज होती है, हमारी इंजन की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे अगर ज्यादा हो रहा होगा तो फ्यूल सप्लाई डिक्रीज कर देगा, और हमारा क्या हो जाएगा, इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करता है, लेकिन ये मेंटेन करता है मेन स्पीड को, ठीक है ना, इंजन की मेन स्पीड मेंटेन करता है, ठीक है। अब तो हो गई इसकी बेसिक वर्किंग, क्या हो गई, बेसिक वर्किंग। अब देखो ये जो गवर्नर है ना, ये मैं इस गेट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो गवर्नर खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके टाइप्स ऑफ गवर्नर है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, इनर्शिया गवर्नर, ठीक है ना, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके टाइप्स ऑफ गवर्नर ज्यादा नहीं आते, आपको जो आता है एक दो तीन इसमें चीजें होती हैं, उसी से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी को मैक्सिमम डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम अपना उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसकी पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी को पढ़ना हो तो वो बुक से पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन हम जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो बेसिक, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के गेट और कोर्स है, उसी के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की बेसिक वर्किंग के बारे में, उसकी वर्किंग से कभी भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की जो वर्किंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, उसका बेसिक डायग्राम ये होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का बेसिक डायग्राम ये होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक तो हो गया स्पिंडल, जो इसकी एक्सेस होती है, क्या
क्या होती है? एक स्पिंडल होता है, यहाँ पे आपकी दो बॉल अटैच होती हैं। क्या होती हैं? दो बॉल अटैच होती हैं। इन बॉल को हम बोलते हैं फ्लाई बॉल्स। क्या बोलते हैं? फ्लाई बॉल्स। ठीक है, तो आपका ये स्पिंडल हो गया और आपके क्या हो गए? दो बॉल्स अटैच हो गई। जो ये जो आपकी ये स्पिंडल होती है जिससे दो बॉल अटैच होती हैं, वो आपके आर्म के थ्रू अटैच होती है, तो ये आपकी आर्म होती है। ठीक है, और ये आपकी आर्म हो गई, ठीक है ना, ये आपके स्पिंडल हो गए, ये आपके फ्लाई बॉल्स हो गए। ठीक है, और ये आपके हो गए लिंक। ठीक है, ये आपके दो लिंक हो गए, और यहाँ पे लगा होता है स्लीव। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्लीव। तो जो बेसिक वर्क होता है हमारा स्लीव के, जो हमारी कंट्रोल करता है ना इंजन की स्पीड, वो क्या कर रहा है? स्लीव के थ्रू ही करता है। क्या करता है? स्लीव के थ्रू ही करता है। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो आपकी यहां से आपकी इंजन की स्पीड आ रही है, ठीक है ना, इंजन की शाफ्ट आ रही है। अब आपका लोड कम है, क्या है? लोड आपका कम है। क्या है? आपका लोड कम है। ठीक है, अगर लोड कम है तो क्या होगा? ज्यादा स्पीड से घूम रहा होगा इंजन, तो इंजन की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई लोड तो है ही नहीं उस पे, आप पे कोई लोड है ही नहीं, तो क्या कर रहा है? ज्यादा स्पीड पर रन कर रहा होगा। अब जब ज्यादा स्पीड पे रन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? ज्यादा स्पीड पे रन कर रहा होगा, तो क्या करेगा ये, जो अगर ये ज्यादा स्पीड पे रन करता है, तो ये स्लीव, दी जो ये हमारी फ्लाई बॉल्स होती है, क्या होती है? फ्लाई बॉल्स होती है। देख रहे हैं आप, इससे जा रहा आ रही है ये, आपकी ये शाफ्ट घूम रही है, ठीक है ना, ये ज्यादा स्पीड से रन कर रहा है। अगर ये स्पिंडल एक्सेस घूम रही है, तो ये दोनों क्या करेंगे? बहुत स्पीड से रन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही ये स्पीड से करेंगे, रन करेंगे, घूमेंगे, तो क्या होंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? आउटसाइड जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ये अगर स्पीड से घूम रहा है, ये एक्सेस आपकी स्पीड से घूम रही है, तो ये क्या होंगे? एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो आपकी स्लीव क्या होगी? ऊपर आ जाएगी। तो स्लीव क्या कर जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन की प्रोसीड कर जाएगी। तो आपकी जब लोड कम होता है, स्पीड ज्यादा होता है, तो आपकी स्लीव क्या हो गई? ऊपर चली गई, ठीक है ना। स्लीव क्या हो गई? अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई। क्या हो गई? आपकी स्लीव यहां से यहां चली गई, तो स्लीव चली गई आपकी ऊपर। कहां चली गई? स्लीव आपकी ऊपर। तो जैसी स्लीव ऊपर गई, अब देखो होता क्या है, ये जो स्लीव होती है ना, ये हमारी अटैच होती है थ्रोटल वॉल्व से। किससे? थ्रोटल वॉल्व से, ठीक है। अब पहले देखो इसको समझ लो कि ये क्या है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक थ्रोटल वॉल्व लगी होती है। तो थ्रोटल वॉल्व का काम होता है, जो भी आपका चार्ज है, जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड है, जो भी आपका क्या है चार्ज है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना, कि उसकी क्वांटिटी कितनी जाएगी, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी आएगी, अगर आपकी ज्यादा क्वांटिटी आएगी, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। भाई आपकी ये क्या है कि अगर वर्किंग फ्लूइड आपका ज्यादा होगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर ये थ्रोटल वॉल्व के जो थ्रू है, उसकी आपकी क्या होती है? सप्लाई कंट्रोल होती है वर्किंग फ्लूइड की। तो ये थ्रोटल वॉल्व जो करती है, आपकी वर्किंग फ्लूइड की सप्लाई कंट्रोल करती है। तो जब ये स्लीव ऊपर जाती है, अगर ये स्लीव ऊपर गई, तो ये क्या करता है? ये जो मैकेनिक्स लगी होती है, ये थ्रोटल वॉल्व को क्लोज कर देती है। क्या करती है? स्लीव ऊपर गई, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, और ये पूरी क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। अगर क्लोज का मतलब है कि कम ओपन होगी, ठीक है ना, ओपन तो रहती है, ऐसा नहीं ओपन नहीं रहेगी, कम ओपन रहेगी, ठीक है ना। अब देखो जो थ्रोटल वॉल्व की है, इसकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है? एक तो ये ऐसे हो जाए, ठीक है ना, ये वाली पोजीशन। अगर ऐसी पोजीशन होगी, तो मैक्सिमम आपका फ्लूइड ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये पूरी ऐसे घूम गई, तो आपका मैक्सिमम फ्लूइड ऊपर जाएगा। एक हो सकता है कि इस पोजीशन ऐसे में हो, इसमें, ये वाली पोजीशन में, ठीक है ना, ये वाली, इसमें क्या होगा? आपका कम फ्लूइड ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? कम फ्लूइड ऊपर जाएगा कंपेयर टू दिस। तो इसमें होता क्या है, आपकी स्लीव ऊपर गई, इसने थ्रोटल वॉल्व को लगभग क्लोज कर दिया। जब ऑलमोस्ट क्लोज हो गई, तो आपकी क्या हो गया? आपके वर्किंग फ्लूड की क्या होगी? सप्लाई क्या होगी? कम हो गई। जैसी वर्किंग फ्लूड की आपकी सप्लाई कम होती है, आपकी इंजन की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। तो इससे करता क्या है, लोड कम था, स्पीड ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी, स्पीड से घूम रहे थे, ये इस साइड गए, स्लीव आपका ऊपर गया, इसने थ्रोटल वॉल्व क्लोज किया, थ्रोटल वॉल्व क्या हो गई, ठीक है ना, थ्रोटल वॉल्व ऑलमोस्ट क्लोज हो गई। क्या हो गई? ऑलमोस्ट क्लोज हो गई। तो थ्रोटल वॉल्व ने क्या करा, वर्किंग फ्लूड की सप्लाई को कम कर दिया। क्या करा? वर्किंग फ्लूड को सप्लाई को कम करा, और आपकी इंजन की स्पीड क्या हो गई? पहले ज्यादा थी, अब इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसने इंजन की स्पीड को रिड्यूस कर दिया। क्या करा? इसने इंजन की स्पीड को रिड्यूस कर दिया। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि अगर लोड ज्यादा होता है तब क्या होता है। क्या होता है? लोड ज्यादा होता है तब क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो लोड बहुत ज्यादा है, अगर लोड बहुत ज्यादा है, मान लो किसी भी इंजन में आपका लोड बहुत ज्यादा है, तो इंजन की क्या हो जाएगी? स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इंजन की स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो इंजन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो अब इंजन की स्पीड कम है, तो यानी ये जो शाफ्ट आएगी, ये कम स्पीड से घूमेगी। क्या करेगी? कम स्पीड से घूमेगी। अगर सोचो कम स्पीड से घूम रही है, तो ये क्या होंगे? ये वाली जो बॉल्स होंगी वो एक साथ आ जाएंगी।
अगर ये कम स्पीड से घूम रही है ये वाली शाफ्ट, तो क्या होगी, बॉल्स आपकी एक साथ आ जाएंगे इस साइड, ठीक है ना, तो अंदर की ओर आएंगी दोनों, क्या होंगी ये इस साइड आएंगी, तो जब आपकी बॉल्स जो होंगी इस साइड आती हैं तो आपकी स्लीप क्या कर जाएगी, डाउनवर्ड मोशन में चली जाएगी, ठीक है, बॉल अंदर आएगी स्लीप पर चलेगी, यहां से यहां चली जाएगी, अगर आपकी स्लीप डाउन चली गई, स्लीप नीचे आ गई है, स्लीप आ गई नीचे आ गई, तो जब आपकी स्पीड कम होती है तो स्लीप कहां आ जाती है, डाउनवर्ड आ जाती है, तो आपकी स्लीप डाउनवर्ड आ गई, ठीक है, तो जैसे ही आपकी स्लीप डाउनवर्ड आती है, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड आई तो ये ऐसी मैकेनिज्म लगी होती है, थ्रोटल वाल्व कर देगी ओपन कर देगी, क्या कर देगी ओपन कर देगी, ठीक है ना, अगर ये ऊपर ये अगर ऐसे आएगी नीचे आएगी तो क्या करेगी, ये इसको बेसिकली ओपन कर रही है, क्या कर रही है, इसको ओपन कर रही है, पहले अगर आपकी थ्रोटल वाल्व ऐसे होगी तो ये ओपन हो जाएगा, अगर ये नीचे आता, ठीक है ना, ये तो क्या करेगा ओपन कर देगा, अगर ओपन करेगा तो हमारी क्या करेगी, वर्किंग फ्लूइड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होता है, हमारी जब ये डाउनवर्ड आता है तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो यही इसकी बेसिक वर्किंग होती है, तो जो गवर्नर हमारा करता है, गवर्नर हमारा इंजन की मीन स्पीड को मेंटेन करता है, लेकिन किसके द्वारा, वो वर्किंग फ्लूड की सप्लाई कंट्रोल करता है, वर्किंग फ्लूड की सप्लाई कंट्रोल करता है वो, तो जो वर्किंग फ्लूड की सप्लाई कंट्रोल करता है वो थ्रोटल वॉल्व को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि गवर्नर किस वॉल्व को कंट्रोल करता है, तो गवर्नर जो है थ्रोटल वॉल्व को कंट्रोल करता है, क्या करता है, गवर्नर जो है थ्रोटल वॉल्व को कंट्रोल करता है, और ये भी आएगा कि जब आपकी स्लीप डाउनवर्ड जाती है अपवर्ड जाती है तब उस केस में आपकी स्पीड इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो इसको आपको बेसिक वर्किंग ध्यान में रखना, तो ये इसकी बेसिक वर्किंग होती है, इस तरीके से ये जो है मेंटेन करता है स्पीड को, तो गवर्नर हमेशा स्पीड को मेंटेन करता है, ये हमेशा ध्यान रखना, और आपका क्या था, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील आपका एनर्जी को मेंटेन कर रहा था, वो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करता है, जो फ्लाईव्हील का काम क्या था, जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसे करना, उसको कम करना, और इसका काम होता है स्पीड को मेंटेन करना, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो इसके बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मुलेस होते हैं बेसिक इसके, ठीक है।